रुड़की में पूर्व सैनिक द्वारा लगाए गए आरोपों को नकारते हुए चिकित्सक ने पत्रकार वार्ता कर अपनी जान का खतरा जताया है। चिकित्सक ने आरोप लगाया कि पूर्व सैनिक ने झूठे कागजातों के आधार पर समाज के लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। दो दिन पूर्व पत्रकारों से वार्ता करते हुए पूर्व सैनिक ने एक चिकित्सक के मकान पर बुलडोजर चलाकर तोड़ने और उसमें 80 लाख का सामान नष्ट करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि चिकित्सक ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनके जमीन पर कब्जा कर लिया है। वही अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए डॉक्टर अजय जैन ने कहा कि जिस भूमि को पूर्व सैनिक राजवीर सिंह अपनी बता रहे हैं उसके कागजात उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर उन्होंने प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कागजातों की जांच की, जिसमें पाया गया कि जिस जमीन को पूर्व सैनिक अपनी बता रहे हैं वह उनकी है ही नहीं। चिकित्सक ने कहा कि उन्होंने किसी का मकान नहीं तोड़ा है, बल्कि अपनी भूमि पर खड़े क्षतिग्रस्त मकान को तोड़कर उसमें नया निर्माण शुरू किया है। चिकित्सक ने कहा कि वह उक्त भूमि पर भवन का निर्माण करा रहे हैं, लेकिन पूर्व सैनिक व उसके पुत्र उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की है। एक महीने का जो पीरियड है वो वेस्ट गया, लेकिन मैंने शासन प्रशासन के नियमानुसार जब उनकी जांच रिपोर्ट आ गई कि भाई इन्होंने अपना ही स्ट्रक्चर तोड़ा है और इनका काम रोकना उचित प्रतीत नहीं होता, उसके बाद मैंने फिर ये जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब की मेरे पास रिपोर्ट है, उसके लास्ट पैरे को आप अगर पढ़ेंगे तो लास्ट पैरे में बिल्कुल यही लिखा है, लास्ट लाइन में बदला देता हूँ कि डॉक्टर अजय जैन पुत्र श्री राजेश्वर दास जैन के द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि पर बाउंड्री निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर अजय जैन के द्वारा उक्त भूमि पर किए जा रहे निर्माण कार्य को रोका जाना उचित प्रतीत नहीं होता, उसमें उन्होंने सबकी रजिस्ट्री और